अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तीन जो पार्ट हैं वो हल किए हैं। आज हम इसका फोर्थ पार्ट और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। तो उसने बोला मैं सॉल्व कर, तो सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमने अगर तो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को रिमूव करना है और उस काम के लिए हम उसका एलसीएम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फैक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड पे एक्स प्लस 1/3 इक्वल में है, ये बनेगा 2। जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x, 2 2s आर -4/3 -6x। अब ये गलती नहीं करनी कि इस 2 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 जस्ट इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। रीजन क्या है, अगर नीचे कुछ भी ना हो तो हम नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होता है और नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वालों से होता है, इसलिए 3 1 4 3। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, एक्स प्लस 1/3, अगर हम इन दोनों को आपस में हल करें 2x माइनस 6x, ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 4x माइनस 4/3। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम x वाली वैल्यूज अलग करते हैं और बाकी जो वैल्यूज हैं वो अलग करते हैं। तो राइट पे माइनस 4x है, जब ये बच्चों आएगा तो लेफ्ट पे इधर आके बच्चों ये बन जाएगा प्लस का 4x, इक्वल में आ जाएगा माइनस 4/3 माइनस 1/3। प्लस 1/3 लेफ्ट हैंड पे है, जब ये जाएगा राइट हैंड पे ये बच्चों बन जाएगा माइनस 1/3। 4 + 1 ये बच्चों बन जाएगा 5x, इक्वल में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का बच्चों एलसीएम करेंगे और एलसीएम में दोनों नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम में 3 आ गया। अगर नीचे वाले नंबर सेम हो एक दफा लिखने, ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो बच्चों वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये बच्चों बनेगा माइनस 4 और माइनस 1, इन्हें करेंगे आपस में हम हल तो आ जाएगा माइनस 5/3, लेफ्ट पे चल रहा था 5x, 5 5 से बच्चों कट गया, हमें x मिल गया माइनस 1/3। अब हमने आगे चेक भी करना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है आया कि वो वैल्यू ठीक भी है कि नहीं, उसके लिए हम बच्चों यहाँ पे देने हटेंगे चेकिंग की। तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर है बच्चों माइनस 1/3 असल इक्वेशन के अंदर, तो जहां पे x है बच्चों वहां पे 1/3 रखते हैं, साथ ही प्लस 1/3 है, 2 as it -1/3 -2/3, जहां जहां x है वहां वहां बच्चों ये वैल्यू की प्लेस हो रही है, -6 6 के साथ x लिखा हुआ है और x मेरे पास है बच्चों -1/3। तो लेफ्ट हैंड पे +1/3 -1/3 से कट गया, यहाँ पे आ गया 0, 2 as it, ये दो फ्रैक्शन हैं, इनका बच्चों हम एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम में आ गया, ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही है, 3 1s are 3 3 2s are 6 -minus +2 1s are 2। अब -1 और -2 बच्चों ये मिलके हो जाएगा -3/3, 3 कट गया 3 से साथ ये +2 वैसे ही है, 2 1s are -2 + 2, तो रिजल्ट कितना मिला 0, इधर भी रिजल्ट क्या है 0 है, इट मींस दैट के जो हमने वैल्यू निकाली है वो इसका सलूशन भी बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो आंसर में क्या मिल गया है बराबर मिल गया है। तो मैंने बात बताई थी अगर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बच्चों हमने चेकिंग नहीं करनी, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर चेकिंग हम लोगों ने करनी है, तो इसलिए मैं मुकम्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ सो दैट अगर शॉर्ट में भी आए तो आप यहाँ तक करें हल चेकिंग से पहले पहले, और अगर लॉन्ग में भी आता है तो आपने इस क्वेश्चन को चेकिंग के साथ मुकम्मल करना है। तो आगे इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 5 × x - 3/6 - x बराबर है 1 - x/9। तो सबसे पहले अब फ्रैक्शन है तो पहले वाले क्वेश्चन में सिंपली इजी हो गया था, लेकिन अब सिंपलीफाई इजी नहीं होगा, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हर अमाउंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसका एलसीएम ले तो 36 आएगा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है
जो कि दोनों के टेबल में आ रहा हो। जब 36 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम क्या हुआ 36। यहाँ पर लिखना है बच्चों मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 36, तो दोनों तरफ हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है। 36 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 36 मल्टीप्लाई 1 माइनस 36 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 9, 6 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30, साथ में है एक्स माइनस 3 एज इट। 36 को एक्स से किया तो 36 एक्स, 36 को 1 से किया तो 36, 9 4 36, 4 को एक्स किया तो बच्चों कितना आंसर आ देगा 4x। अब 30 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 30x, 30 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 36x बराबर है बच्चों 36 माइनस का 4x। अब हमने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज है वो हमने अलग करनी है और जो बाकी नंबर्स हैं वो हमने अलग करने हैं। तो 30x माइनस 36x प्लस 4x 36 प्लस 90। अब 4x प्लस 30x ये बनेगा 34x, 36 किया तो ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 2x। इन्हें हम करेंगे आपस में प्लस, इसका बच्चों आ जाएगा 116 बल्कि 126। अब 2 कट हो जाएगा तो एक्स बच्चों मिल जाएगा माइनस 63। अब हमने चेक करना है कि जो बच्चों हमने वैल्यू फाइंड आउट की है आया कि वो वैल्यू ठीक भी है कि नहीं, इसको असल क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं चेकिंग के लिए। 5 इंटू माइनस 63 माइनस 3 ओवर 6 माइनस इंटू माइनस 63 बराबर है 1 माइनस 63 ओवर 9 और साथ माइनस था तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बच्चों बन जाएगा 66। तो 5 इंटू माइनस 66 ओवर 6 प्लस 63 बराबर है माइनस 1 प्लस 63 ओवर 9। अब ये प्लस कैसे हुआ है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। 6 1 1 1 11 5 55 प्लस 63 9 बच्चों एलसीएम 9 1 9 प्लस 63 एज इट। 63 जब बच्चे 55 निकालेंगे तो 8 से बच्चों मिल जाएगा हमें 8, इन्हें प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा 72 ओवर 9 तो 9 8 72। तो ये ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब ये हुआ जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी जो कि माइनस 63 है। तो इस तरीके से हमने इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसको मुकम्मल किया है। आगे जो 6 और 7 और 8 पार्ट है वो इनसे इजी है क्योंकि उनमें जो एलसीएम है वो इजीली हमारा हो जाएगा, जल्दी से आंसर मिल जाएगा और उसके बाद अगला काम हमारा चेकिंग का होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जल्द ही मुकम्मल हो जाता है। तो आगे हम इसका बच्चों 6 वाला पार्ट समझते हैं कि 6 पार्ट में इसने में वैल्यू दी हुई है एक्स ओवर 3x माइनस 6 इक्वल में है 2 माइनस 2x ओवर एक्स माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड पे भी फ्रैक्शन है राइट पे भी फ्रैक्शन है, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहें हमें कॉमन बच्चों मिल जाएगा 3। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 2 6, इसका बच्चों हम डायरेक्ट एलसीएम करने जा रहे हैं तो इसको आपस में करें मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स माइनस 2 एज इट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 2x। देखिए अब एलसीएम कॉमन लेने का फायदा ये हुआ है कि हमने एलसीएम किए नीचे वाले नंबर सेम है, जब कंडीशन है जब नीचे वाले नंबर सेम हो और दरमियान बराबर का निशान लगा हो तो आपस में कट सकते हैं। मैंने क्या किया इन्हें आपस में कट कर दिया तो एक्स ओवर 3 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ये 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2x से कट गया। एक्स ओवर 3 बराबर है बच्चों माइनस का 4, तो लेफ्ट हैंड पे जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाकर ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3 4 माइनस का 12। आगे हमने वेरीफाई भी करना है
जो कीमत हम निकाल चुके हैं, आया कि वो कीमत ठीक भी है कि नहीं। तो इसको पुट करते हैं असल क्वेश्चन में, माइनस ट्वेल्व ओवर थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स बराबर है टू माइनस टू इंटू माइनस ट्वेल्व ओवर माइनस ट्वेल्व माइनस टू। तो ट्वेल्व थ्री जा 36 होते हैं, माइनस ट्वेल्व ओवर माइनस 36 माइनस सिक्स बराबर है टू इंटू माइनस माइनस प्लस टू ट्वेल्व जा 24 ओवर माइनस का 14। ये कट कर देंगे इनको, टू सेवन टू ट्वेल्व ऊपर बचो आएगा माइनस का 12, नीचे आ जाएगा 42 माइनस का 42। माइनस माइनस से कट गया तो 6 पे कट सकते हैं, 6 2 जा 12 6 7 जा 42। तो आंसर मिला 2/7। राइट पे चेक करते हैं, 2 माइनस 12 ओवर 7, तो 7 आ गया एलसीएम में, नीचे खुद से 1 लगा लेते हैं, 7 2 जा 14 माइनस 12 1 जा 12। तो 14 में से जब 12 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2/7, इधर भी क्या लिखा हुआ है 2/7। तो मतलब ये हमारा जो वैल्यू निकाल चुके हैं हम बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। आगे हम इसका बच्चों सेवंथ पार्ट देखते हैं कि सेवंथ पार्ट में इसमें किस तरह की जो वैल्यू है वो दी हुई है और हमने क्वेश्चन को किस तरीके से चलाना है। तो सेवंथ पार्ट है बच्चों हमारे पास 6 और 7। सेवंथ पार्ट में लिखा हुआ है 2x ओवर 2x प्लस 5 बराबर है 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10 और साथ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। ये लिखने की वजह ये है कि जब इसको हम इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और जब नीचे 0 आए तो जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो बच्चों हो जाता है इम्पॉसिबल, इसलिए इसने साथ ये मेंशन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड पे सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हमने फिलहाल ऐसे लिखना है। राइट में थोड़ी सी हम कॉमन ले लेते हैं 5 एज इट, इन दोनों में से बचो 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 2 5 आर 10। अब राइट पे हमने बचो एलसीएम करना है तो एलसीएम में दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 आर 6 इनटू 2x प्लस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये सारी मोड इस 2 से होगी, 2 2 आर 4 और साथ आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 5 3 5 आर 15। तो लेफ्ट पे लिखा हुआ है 2x ओवर 2x प्लस का 5, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 से कट गया तो लेफ्ट मेरे पास बचेगा 2x 6 यहां पे बच्चों और डिवाइड, जब इसको इधर लाएंगे तो इधर आके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 आर बच्चों ये बन जाएगा 12, तो 12x 4 2 आर 8x 4 5 आर 20 माइनस का 15। तो x वाली वैल्यू अलग बाकी ऑलरेडी अलग है, 8x लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों हो जाएगा माइनस 8x बराबर है 20 में से 15 गया तो बच्चों आ जाएगा 5x, जब 5 सॉरी जब हमने 12x में से बच्चों 8x निकालना है तो हमें आंसर में मिल जाएगा 4x बराबर है 5 के, x बच्चों मिल गया 5/4। अब इसको वापस रिप्लेस करते हैं असल क्वेश्चन के अंदर, जहां जहां x है वहां वहां इस वैल्यू को हम बच्चों पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं 2 इंटू 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 ओवर 4 प्लस 5 इक्वल है बच्चों 2 बाय 3 माइनस 5 ओवर 4 इंटू 5 बाय 4 प्लस का 10। ये कट हो रहे हैं 2 2 आर 4, इसको भी कट करें 2 2 आर 4 4 4 से बच्चों कट आउट हो गया है। तो बाकी मेरे पास बच रहा है 5 ओवर 2, नीचे है 5 बाय 2 प्लस 5, इधर है जो 2 बाय 3 माइनस ऊपर बचा 5 नीचे बचा 5 प्लस 10 ये बच्चों बन जाएगा 15। कटिंग करेंगे 5 1 5 3, तो राइट पहले सिंपलीफाई करते हैं 2 बाय 3 माइनस 1 ओवर 3, एलसीएम किया 3 एलसीएम में आ गया, नीचे वाले नंबर सेम थे तो ऊपर वैसे लिख दिया 2 माइनस 1 तो इसका बच्चों आ जाएगा 1 ओवर 3। मतलब ये कि हम राइट साइड को हल कर दिया है, अब लेफ्ट साइड की बारी है 5 ओवर 2 ऊपर एज इट नीचे बच्चों हम करेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम में आ गया 5 प्लस 2 5 आर 10, 2 2 से बच्चों कट गया ऊपर बचा हुआ 5, 2 5 प्लस 10 बच्चों बन जाएगा 15, ये बच्चों बनेगा 5 बाय 15 तो 5 1 और 5 3 तो इसका आंसर बताओ कितना बन गया 1 ओवर 3। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि इसने हमारा जो आंसर है उसको उसने वेरीफाई कर दिया है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट है। आगे बच्चों हम इसका
हल करने जा रहे हैं आठवां पार्ट, और आठवें पार्ट में चेक करते हैं किसने हमें कौन सी जो वैल्यू है वो दी हुई है। तो आठवां पार्ट है 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3, 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1, किसने सवाल में हमसे बात की हुई है। लेफ्ट भी फ्रैक्शन है, राइट भी फ्रैक्शन है, दोनों तरफ से हम करेंगे एलसीएम, तो डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म लिख देंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 6 एक्स प्लस, इसको 1 से करेंगे तो एक्स माइनस 1, इधर भी एलसीएम 6 इंटू एक्स माइनस 1, ये सारी मोड 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5x माइनस 5 बन जाएगा, क्योंकि इस 5 में दोनों से मल्टीप्लाई होने हैं, तो डायरेक्ट कर दिया 6 2 12, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कट गया, 3 1 3 3 2 6, तो इधर बचेगा 6x प्लस x, ये बच्चों बन जाएगा 7x माइनस 1, यहाँ बचेगा 2 जो कि राइट पे डिवाइड हो रहा है, जब ये 2 बच्चों लेफ्ट पे आएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से बचेगा मेरे पास 5x एज इट, 12 में से बच्चों 5 गया तो आ जाएगा 7, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14x, 2 1 जा 2, इधर है 5x प्लस का 7, x वाली वैल्यूज अलग बाकी वैल्यूज अलग, तो 14x माइनस 5x 7 प्लस 2, तो बच्चों 14 में से जब आप 5 को निकालेंगे तो वहां से बच्चों आ जाएगा 9x, इधर से बच्चों 7 प्लस 2 भी 9, 9 कट गया 9 से, तो x बच्चों हमें कितना मिल गया 1। अब इसको वापस रिप्लेस करना है और चेक करते हैं कि हमारा जो हमने वैल्यू निकाली है क्या वो इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, तो 2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1, एक्स की वैल्यू प्लस 1 है, प्लस 1 ओवर 3 इक्वल है 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 1, तो अगर हम इसको हल करें तो 2 ओवर 0 बन रहे हैं, प्लस 1 ओवर 3, 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 0, जब नीचे 0 है का बच्चों उसका आंसर होता है अनडिफाइन होता है, तो जब भी कोई वैल्यू पुट करने से आंसर अनडिफाइन हो रहा हो तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए जो हमारा इसका भी अनडिफाइन आ जाएगा, ये आपस में इक्वल नहीं है जो कि फॉल्स है, इसलिए जो सोल्यूशन सेट है इसका वो नहीं बनेगा। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो आंसर में भी ये बात लिखी हुई है कि x जो है वो 1 पे ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का भी मैंने हल किया है आठवां पार्ट, और आठवें पार्ट का अगर मैं आपको आंसर दिखाना चाहूं तो आंसर देखें तो उसने लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, तो इसलिए लिखेंगे नो सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ये भी काम करेंगे कि वो ऐसे लिख के ना दरमियान में जीरो लगा देंगे और वो समझेंगे कि ये सोल्यूशन नहीं है। अब x की जो वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पे लिखनी होती है असल में, अब जीरो तो हमने कीमत निकाली ही नहीं है तो जीरो हम यहाँ पे कभी भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए बच्चों आपने एहतियात बरतनी है, इसका सोल्यूशन सेट ही नहीं बनता क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू मिली है जो कि असल इक्वेशन को दुरुस्त साबित करने में नाकाम हो गई है, इसलिए हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। आप जीरो भी नहीं लगा सकते क्योंकि जो वैल्यू निकालनी है वही लिखनी है ना उसके अंदर। आगे इसका बच्चों है नाइन्थ वाला पार्ट, और लिखा हुआ है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 बराबर है 1 ओवर एक्स प्लस 1 के। थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड पे ये माइनस में जब राइट पे तो प्लस हो जाएगी, तो 2 ओवर एक्स प्लस 1 और साथ एक्स माइनस 1, इसका मैंने लेफ्ट पे लगा दिया फॉर्मूला 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसको हमने फिलहाल ऐसे ही लिख देना है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। राइट पे बच्चों हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम में एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, ऊपर जो लिखा है वो वैसे का वैसे, एक्स प्लस 1 से कट गया 2, इधर ये डिवाइड और अब 2 ओवर x माइनस 1 बराबर है 2 ओवर 1, 2 2 से कट कर दे, इधर आएगा 1, इधर भी कितना बचा जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जब हम x माइनस 1 को जब इस 1 से करेंगे x माइनस 1 बराबर 1,
एक्स में आपका बच्चा वन प्लस वन, एक्स कितना मुझे मिल गया टू। अब इसको वापस क्वेश्चन में रिप्लेस करना है और चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या ठीक भी है कि नहीं। इसको रिप्लेस करते हैं टू ओवर टू का स्केयर माइनस वन प्लस, बल्कि माइनस है वन ओवर टू प्लस वन, इधर है जी वन ओवर टू प्लस वन। तो टू का स्केयर फोर होता है बच्चों, टू माइनस फोर माइनस वन और वन ओवर थ्री इक्वल है जी वन ओवर थ्री की, ये हल शुदा है। थ्री फोर में से वन गया थ्री बचेगा, तो टू ओवर थ्री माइनस वन ओवर थ्री बराबर एज इट, एलसीएम मिला थ्री, टू माइनस वन मिलेगा वन के बराबर, वन ओवर थ्री बराबर वन ओवर थ्री के है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर है। आगे हम इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है वो दो सेशन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टेन है जी, टू ओवर थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल में है वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस का फोर, और लिखा हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, उससे जीरो आएगा। लेफ्ट हैंड पे इसको हमने कुछ नहीं कहना, बल्कि कॉमन निकाल लेते हैं, तो थ्री कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस थ्री टू आर सिक्स, वन ओवर सिक्स टू कॉमन एक्स प्लस टू, एलसीएम सिक्स टू आर ट्वेल्व एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टू इंटू एक्स प्लस टू सिक्स वन आर माइनस का सिक्स, इधर चल रहा है बच्चों थ्री इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कट गया, थ्री फोर आर ट्वेल्व, तो इधर जो फोर है वो हो रहा है डिवाइड, जब ये बच्चों लेफ्ट पे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फोर टू आर एट, टू को एक्स से किया टू एक्स, टू टू आर फोर सिक्स, वैसे ही फोर में से सिक्स गया तो टू आएगा माइनस का, वो टू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एट प्लस टू बराबर है जी टू एक्स के, ये बनेगा टेन बराबर है टू एक्स के, कट किया तो एक्स बच्चों कितना मिल गया हमें टू। इसको पुट करते हैं असल क्वेश्चन के अंदर, तो टू ओवर थ्री इंटू टू प्लस सिक्स, वन ओवर सिक्स माइनस टू इंटू टू प्लस फोर, टू थ्री टू जार सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स इक्वल है जी वन ओवर सिक्स माइनस टू टू जार फोर प्लस फोर, तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, तो टू ओवर ट्वेल्व कटिंग की तो वन ओवर सिक्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। आगे है जी वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर एट, इनका एलसीएम करेंगे तो 48 आ जाएगा, 8 वन जार 8, 6 वन जार माइनस का 6, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है ना बच्चों वो सही नहीं आ रही, 2 5 जार 10 होते हैं, तो ये गलती छोटी सी गलती है जिस गलती ने मेरा सारे सवाल का सत्यानाश कर दिया है। आप लोगों ने बच्चों इस गलती से बचना है, सो दैट कि आपके लिए क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना पैदा हो, मैंने एक छोटी सी गलती की यार मेरी जो वैल्यू है वो सही नहीं आ रही, तो आपने ये थोड़ा सा एहतियात रखनी है कि कैलकुलेशन करते हुए अगर आपसे कोई गलती हो रही तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। 5 15 प्लस सिक्स वन ओवर सिक्स माइनस टेन प्लस फोर, ये बच्चों बन जाएगा वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर फोर्टीन, तो फोर्टीन और सिक्स का बच्चों एलसीएम, अब मैं तो इसको डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 14 मल्टीप्लाई 6, तो 8 से बच्चों आ जाएगा 84, 14 वन जार 14, 6 वन जार माइनस 6, इन्हें करेंगे माइनस तो बच्चों आ जाएगा 8 ओवर 84, इधर से बच्चों बना था 2 ओवर 21, 2 ओवर 21 एज इट, कटिंग करेंगे हम करेंगे कटिंग 8 और 84 की, तो 2 ओवर 21 आ गया, 2 ओवर 21 इधर भी क्या है 2 ओवर 21। अब कटिंग मैंने कैसे की है मैं आपको की समझाने लगा हूं, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ था 8, वो प्रेस करें, उसके बाद ये जो ए बी और सी लिखा हुआ है इसको दबाएं, उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है 84, तो आप देखें तो 2 ओवर 21 ये वाज़े नजर आ रहा है, तो ये शॉर्टकट की है किसी भी फ्रैक्शन को कट करने के लिए अगर वो पॉसिबल है तो। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर वन है उसको आज मुकम्मल किया है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर टू हल करेंगे, सो दैट मच 7.1 जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो
अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।